आप याद करिए, पिछली दिवाली हर किसी के मन मस्तिष्क में एक तनाव था। आज सुबह से मैं धंधा लगा हूँ, 3 ग्राहक आया है और 3 ग्राहक आ गए, 10 ग्राहक पूछ के गया, 3 ग्राहक लेके गया, वो भी एक दो पीस लेके गए। नहीं तो जाता है 10 पीस जाता है, 12 पीस जाता है। बोले दिवाली अच्छा होता था, अभी हालत बहुत बुरा चल रहा है इस समय। जैसे कितना फर्क ग्राम बहुत, अरे 100% में 25% भी नहीं है। हाँ 25% का 20% होता तो भी चलो चलता था। पहला व्यापार क्या था, हर दिन पे 5000-6000 धंधा होता, अभी 1800 का धंधा हो रहा है। अभी 10000 का माल डाला हूँ, अभी 2 दिन से लगा रहा हूँ कल से। और बोले कल 800 का धंधा हुआ, दिल के ऊपर क्या गुजरेगा, दिवाली क्रॉस होने को आया। बहुत कस्टमर रहता था, अभी कुछ भी नहीं कस्टमर। वो ट्रेन बंद वजह होने से वो एकदम कम हो गया। लेकिन इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है, अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है तो मेरे देश का उत्पादन, मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं। दिवाली के दौरान बिक्री की एक तरफ और बाकी साल की बिक्री एक तरफ होती है। हमारे यहां दिवाली के समय, त्योहारों के समय बिक्री एकदम बढ़ जाती है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, हमारे छोटे छोटे उद्यमियों, हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों सभी के लिए आशा की किरण बनकर आई है।